Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve construct target array with multiple sums. So, इस problem statement में given क्या है कि यहाँ पे आपको एक target array दे रखा है जिसमें n integers हैं और आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक starting array लेना है जिसमें n elements होंगे और n elements के जो value होंगे वो 1 होंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है यहाँ पे starting array से target array को construct करना है. अगर ये possible होगा तो आप रिटर्न ट्रू करोगे, अदरवाइज फॉल्स करोगे. अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. प्रोसीजर क्या है कि स्टार्टिंग एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम फाइंड करो, फिर उस सम को क्या करो, जाके एक इंडेक्स पे इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो किसी भी इंडेक्स का. तो इस तरह से करना है ताकि आपको टारगेट वैल्यू, टारगेट में जिस तरह से वैल्यू दे रखा है उस तरह से आपको मिल जाए. अरे आप कर लेते हो, अगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो रिटर्न ट्रू करोगे, अदरवाइज फॉल्स करोगे, ठीक है? तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम को ना पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर हम अपने अप्रोच को देखेंगे. ओके, सो क्या है आपका यहाँ पे एक टारगेट एरे दे रखा है. टारगेट एरे है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग एरे लेना है सेम साइज का और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा ये 1 होगा. यहाँ पे 1 है. अब हम क्या करेंगे, इस स्टार्टिंग एरे से ये टारगेट एरे बनाने की कोशिश करेंगे और जो प्रोसीजर हमें दे रखा है वो फॉलो करेंगे. ओके, और बनाएंगे, अगर बन जाएगा तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स करेंगे, राइट? सो यहाँ पे इसका सम फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे तो 3 मिलेगा. अब 3 को क्या करना है, हमें ना यहाँ पे किसी को रिप्लेस कर देना है, किसी एक एलिमेंट को हमें रिप्लेस कर देना उससे. तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर 3 देते हैं, यहाँ पर 1, ठीक है? यहाँ ये हो गया. अब इसका सम फाइंड करो, इसका सम क्या मिलेगा आपको, 5. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे एक के वैल्यू को, यहाँ पे हमने कर दिया. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे, 1 + 3 = 4 + 9 से इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एक एलिमेंट को, यहाँ पे ये कर दिया इसको 1 को, 9 3 5 आपको ये मिल गया. ओके, तो यही हमारा टारगेट एरे था, ये मिल चुका है. यहाँ पे टर्न क्या करेंगे, हम ट्रू करेंगे. आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो पहले 3 फॉर्म हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, राइट? सो अब हम आते हैं अपने अप्रोच पे, हमारा अप्रोच क्या हो सकता है. देखो, अप्रोच में हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से स्टार्टिंग एरे से टारगेट एरे फाइंड ना करके ना टारगेट से हम ट्राई करेंगे कि हमें स्टार्टिंग एरे मिल जाए. अगर हमें स्टार्टिंग एरे मिल जाएगा तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे. ओके, अब हम आते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा. यहाँ पे देखो, आपका क्या है, ये आपका टारगेट है. टारगेट से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग एरे फॉर्म करना है. तो यहाँ पे टारगेट में 9 3 5 है, तो इससे इसके साथ हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने की पहले कोशिश करेंगे, फिर इससे ये, फिर इससे ये, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम देखेंगे. पहले तो हम इसका सम फाइंड कर दें, टोटल कितना है. टोटल आपका क्या है यहाँ पे, 9 + 3 = 12 + 5 = 17 है टोटल सम. यहाँ पे आपका क्या है टोटल, 9 5 3 8 9. यहाँ पे टोटल सम कितना है आपका, यहाँ पे 5. यहाँ पे टोटल सम क्या है आपका, 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एरे के एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ये तो आपका सेम है, पहले मैनिपुलेशन हम किससे स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट नंबर से, क्योंकि लास्ट में आपका क्या बन रहा है, लार्जेस्ट नंबर. अब हम 9 से यहाँ पे 1 फॉर्म करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, ये कैसे फॉर्म हुआ, पहले ये सोचो कि ये 9 कैसे बना. 9 जो बना है, पहले से 1 एलिमेंट में जितना भी रिमेनिंग एलिमेंट्स था उसका सम और यहाँ पे 1 ऐड किए, तो रिमेनिंग नंबर में हम क्या किए, 1 ऐड किए, ठीक है? अब हमें यहाँ से ये नंबर से ये लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 से हम माइनस कर सकते हैं ना, 3 + 5 ये जो आपका है, तो ये आपको 1 मिल जाएगा. ओके, तो ये 1 ही है ना यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे ना, ये हमें 8 कैसे मिलेगा, ये सम हमें कैसे मिलेगा, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का सम हमें कैसे मिलेगा, ये जो टोटल सम है आपका 17 से आप लार्जेस्ट नंबर पहले फाइंड करोगे. इस एरे का लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर 9 मिलेगा, ठीक है? तो देखो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए ना एक्चुअली हम क्या करेंगे, कोड में हम मैक्स हीप का यूज़ करेंगे, जो आपको क्या करेगा, हमेशा टॉप एलिमेंट जो देगा मैक्स हीप यूज़ करेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा, हम 9 ले लेंगे. 9 को क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, और 9 को माइनस करने के साथ आप क्या करोगे, आपको मिल जाएगा 8, जो कि रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का आपका सम है, ठीक है? ये 8 आपको मिल जाएगा.
यही 8 अगर आप फिर लार्जेस्ट नंबर से आप क्या करोगे माइनस करोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक्चुअली कोड भी माइनस नहीं करने वाले हैं, मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, मॉड्यूलर सेपरेटर का। क्यों करेंगे? देखो हो सकता है कि कभी हो आपका लार्जेस्ट नंबर हो कहीं पे, देखो आप यहाँ पे टेस्ट केस दे रखा है, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे टारगेट का जो है 10^9, ये भी हो सकता है टारगेट का एलिमेंट जो है 10^9 भी हो सकता है। तो आप एक एक करके अगर माइनस करोगे तो मे भी नहीं आपको टीएलई आ सकता है। तो आप सेम चीज़ ना यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके अचीव कर सकते हो, यानी 9 को आप 8 से यहाँ पे यूज़ करोगे मॉडुलस ऑपरेटर, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया, यहाँ पे हम ये कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये समझ गए आप। अब देखो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम अब हम यहाँ पे किसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, 5 को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। 5 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 5 को हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का हम सम फाइंड करेंगे पहले, यानी 3+1 4। ये 4 आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे टोटल सम आपका क्या है 9 है, टोटल सम क्या है 9, रिमेन लार्जेस्ट नंबर क्या मिल जाएगा आपको 5। तो 9 में से 5 आप निकालोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, और फिर लार्जेस्ट नंबर में आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1, तो ये आपका 1 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 को मैनिपुलेट करोगे, 3 का ये एरे फाइंड करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्या करोगे टोटल सम पहले फाइंड करोगे, ये टोटल सम क्या है आपका 5। ठीक है, टोटल सम 5 है। अब 3 से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है आपका, लार्जेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, 3 है। अब देखो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का क्या होगा सम, यहाँ पे 2 होगा, वो आपको किससे मिल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे उससे मिल जाएगा 5-2, आपको क्या मिल जाएगा, अब 3 आपको 2 मिल जाएगा। फिर इस 2 को क्या करेंगे हम, जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो देखो अब अप्रोच हमारा ये रहेगा। अब हम आते हैं कि हम करेंगे क्या 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 करने वाले, ये तो हम यूज़ करेंगे ही ये फाइंड करने के लिए। अब ये तो क्योंकि हमें पता है ना कि ये हमारा क्या है कि इससे हम फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये किए, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा एरे आपको हो जहाँ पे आप फॉर्म नहीं कर सके टारगेट एरे को, तो आप उसके लिए भी तो कुछ कंडीशन डालना होगा ना। तो अब हम आते हैं, देखो उसके लिए हम क्या डालेंगे वो हम देखते हैं पहले अप्रोच। सो देखो यहाँ पे कोड जो हमारा होगा वो कैसा होगा कि हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक मैक्स हीप का यूज़ कर लेंगे। मैक्स हीप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो इसका सम फाइंड कर लेंगे, एक एलिमेंट हम ले लेंगे टोटल सम, उसमें हम क्या करेंगे पहले तो जो आपका टारगेट एरे है उसका सम फाइंड कर लेंगे, जो कि आपका 17 होगा। ठीक है, और ये सम जब फाइंड कर रहे होंगे इसमें हम एलिमेंट भी इंसर्ट कर देंगे, सारा इंसर्ट कर देंगे मैक्स हीप में। तो 9 आपका ऊपर होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। तो अब क्या करोगे हम, हमारा क्या है टारगेट कि सारे एलिमेंट आपका क्या हो 1 हो जाए, यानी जो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है ना इस मैक्स हीप में सारा एलिमेंट आपका 1 हो जाए। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सारे 1 हो जाए, वो कैसे होगा अब हम वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है कि आप पहले क्या करोगे, यहाँ से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करोगे, टॉप एलिमेंट आपका लार्जेस्ट है, टॉप एलिमेंट आप लार्जेस्ट नंबर यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, आप निकाल लिए और टोटल सम क्या है आपका अभी 17 है, 17 है। अब क्या करो 17 से, अब क्या करो पहले टोटल सम, अब रिमेनिंग टोटल सम कितना होगा, लार्जेस्ट नंबर अगर हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो रिमेनिंग टोटल सम हमारा क्या होगा, ये वो पहले फाइंड करेंगे। 17-9 आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, देखो 8 मिल जाएगा। अब पहले 8 को आप ना चेक कर लोगे, 8 को आप चेक करोगे क्या 8 आपका लार्जेस्ट नंबर से ज़्यादा तो नहीं है, नहीं क्यों, देखो लार्जेस्ट नंबर से ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ना इसके सम से और 1+ से बना है, तो ये हमेशा क्या होगा ना कि हमेशा ये स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट से, क्योंकि लार्जेस्ट इसी से बना है और उसमें भी 1 ऐड करके। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे क्या लार्जेस्ट नंबर आपका स्मॉलर तो नहीं है किससे, या इक्वल भी नहीं है किससे, जो आपका रिमेनिंग सम हुआ यहाँ पे टोटल सम 7-9 यानी लार्जेस्ट नंबर माइनस करने के बाद, क्या आपका ये जो है
टारगेट सम से क्या ये कम है क्या, अगर ये कम होता है इक्वल भी होता है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ओके और यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे क्या टारगेट सम हमारा लेस देन इक्वल्स टू जीरो भी हो गया है क्या, ये अगर ये हो जाएगा तो रिटर्न हम फॉल्स करेंगे क्योंकि ये भी कभी जीरो या लेस देन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग एरे ही क्या है 111 से है, तो ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी हम माइनस करेंगे ना तो हम इसको चेक कर लेंगे इन दोनों कंडीशन को, और ये दोनों कंडीशन कभी भी हमें मिल गया तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। ये हमारा कंडीशन रहेगा चेक करने का कि हमारा इस एरे में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप टोटल सम से लार्जेस्ट नंबर माइनस करते हो तो क्या ये दो कंडीशन फुलफिल भी हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दोगे, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे टोटल सम हो गया। अब हम आते हैं, देखो अब ये आपका हो गया, अब अपडेट करोगे ना नया नंबर यहाँ पे, तो 9 को क्या करोगे, 9 लार्जेस्ट नंबर को क्या करोगे, रिमेनिंग सम यानी जो आपका 8 है इससे क्या करोगे, मॉडुलो ऑपरेटर यूज करोगे। हमने ये क्यों करा ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, 1 मिल गया, ये 1 मिल गया। अब क्या करो, इस 1 को क्या कर दोगे आप यहाँ पे पुश कर दोगे, ये तो हट गया होगा ना, तो 1 पुश करोगे आपको वहाँ पे 1 मिल जाएगा। ओके ठीक है उसके बाद हम ये कर लेंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे टोटल सम क्या है आपका, 5 + 3 + 1। ओके तो ये आपका क्या है, 5 + 3 = 9 है, लेकिन यहाँ पे टोटल सम आपका 8 है, तो टी को फिर अपडेट करोगे किससे करोगे, इस 1 से करोगे, जो आपका 1 यहाँ पे मिला ना इससे अपडेट कर दोगे यहाँ पे टी प्लस जो आपका यहाँ पे जो मिला होगा यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, ये x यहाँ पे अपडेट कर देंगे ताकि टोटल सम हमारा 9 हो जाए। यहाँ पे क्यों 9 है ना, तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा, 8 + 1 = 9। ओके अब हम आते हैं फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल सम 9 मिल गया, अब लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड करेंगे, फिर से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। ठीक है लार्जेस्ट नंबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, टोटल सम अपडेट करोगे 9 से, क्या करोगे आप 5 माइनस कर लोगे, 9 से 5 क्या करोगे आप माइनस कर लोगे, इससे क्या होगा आपको रिमेनिंग सम मिल जाएगा। 5 किससे फॉर्म हुआ है यहाँ पे, 3 + 1 और ये 1 ऐड करके बना है, तो ये 3 + 1 आपको 4 मिल जाएगा, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स मिल जाएगा ये 4। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x फाइंड करेंगे, x क्या करेंगे लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे तो होगा नहीं फुलफिल ये, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और किसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, सेकेंड एलिमेंट 4 को यूज़ करेंगे, तो ये आपको क्या देगा 1। ठीक है ये 1, फिर 1 को आप क्या करोगे यहाँ पे 5 को, यहाँ से तो हट चुका होगा ना 5, तो यहाँ पे अपडेट करोगे 3 ऊपर होगा 1 होगा 1 होगा। ओके ये हो गया। अब टोटल सम क्या होगा आपका, टोटल सम आपका 3 + 1 + 1 यानी आपका यहाँ पे 5 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 4 मिला हुआ है टी, तो t को आप फिर से अपडेट करोगे ना, तो t को अपडेट करोगे x प्लस 1 कर दोगे यानी t 4 + 1 t प्लस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से लार्जेस्ट नंबर फिर से निकालेंगे, आपका 3 निकलेगा, लार्जेस्ट नंबर क्या निकलेगा आपका 3। ओके और टोटल सम क्या है आपका 5, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टी से हम क्या करेंगे लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 - 3 यानी आपका क्या हो जाएगा 2। फिर हम x फाइंड करेंगे, x क्या होगा आपका लार्जेस्ट नंबर, यानी आपका लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका 3, सेकेंड एलिमेंट क्या यूज़ करेंगे, जो आपका है ये माइनस जो हमने किया यहाँ रिमेनिंग सम 2, इसमें क्या निकलेगा 1, इस 1 को क्या करेंगे यहाँ पुश कर देंगे, 3 को यहाँ रिमूव हो चुका, जब हम लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे होंगे यहाँ पे ये हट गया होगा 1, तो इसका आपका क्या हुआ है टोटल एलिमेंट 1 हो चुका है। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, हमें क्या मिल चुका है टोटल एलिमेंट 1 मिल चुका है, राइट, तो 1 मिल चुका है, तो ये हमारा क्या होगा रिटर्न ट्रू करेगा। अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक टोटल सम जो कि आपका क्या करे सारे एलिमेंट का टारगेट का सम फाइंड कर रहा है, और एक हम मैक्स हीप ले लिए जो कि आपका क्या करेगा मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करके देगा। हम क्या किए यहाँ पे एक एक एलिमेंट को टी सम में ऐड कर दिए, और मैक्स हिप में भी आप क्या किए ऐड कर दिए। ठीक है और हम अगला प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, ये कब तक करेंगे, जब तक मैक्स हिप का टॉप एलिमेंट आपका क्या हो जाए 1 ना हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या हुआ लास्टली आपको क्या हुआ था,
मैक्सिम में जो टॉप एलिमेंट है वो वन बन चुका है, ये हटने के बाद वन 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 राइट ये बना है। तो यहाँ पे जब तक वन नहीं हो जाए तब तक हम ये फॉलो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लाएस्ट नंबर टॉप एलिमेंट फाइंड करेंगे और पॉप भी कर लेंगे। फिर टी सम से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है माइनस कर लेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे माइनस करने के बाद क्या ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो नहीं हो गया, या टी सम लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर तो नहीं हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट सम फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट सम नहीं, लार्ज नंबर को फिर से हम क्या करें, जो एक्स हम फाइंड कर रहे थे वो हम अपडेट कर रहे थे राइट। तो यहाँ पे लार्ज रिमेनिंग टी सम वही यहाँ पे कर रहे हैं, ये मॉडुलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। फिर हम क्या करें, मैक्सिम में इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, टोटल सम को भी अपडेट कर रहे हैं, टोटल सम प्लस लार्ज जो यहाँ पे आप मिला था आपको रिमाइंडर वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे थे, ठीक है। ये अगर होता चला जाएगा कहीं पे भी आपको ये फॉल्स वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो लास्ट में हम क्या करें, रिटर्न ट्रू करेंगे। तो कोड रन करते हैं, कोड रन हो चुका है, सबमिट करते हैं कोड को। सबमिट हो गया, थैंक यू।